Audio Jungle. Audio Jungle. कैमरा रोल एक्शन। हे हेलो जानी, कैसे आप सब? मैं हूं आपका संगीत सिंगर, आपका स्वागत है आपको चैनल दिल्ली राष्ट्र पे। तो गाइस, आज हम जाने वाले हैं दिल्ली टू मनाली, यानी कि हिमाचल। तो हिमाचल जाने वाले हैं गाइस, यहां पे करेंगे बहुत ज्यादा फन। तो गाइस, वहां पे ना हम ट्रेवलिंग के लिए जा रहा हूं। मैं थोड़ा घूमना है और थोड़ा सा मेरा पर्सनली सॉन्ग आने वाला है, सॉन्ग शूट भी करने जा रहा हूं मैं। तो साथ में मेकिंग भी आएगी मेरे चैनल पे, और सॉन्ग जो आएगा वो दूसरे चैनल पे आएगा, मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो गाइज, हम आ चुके हैं, मतलब आ चुके हैं क्या यार, मैं दिल्ली से शूट नहीं कर पाया। प्रॉब्लम ये थी कि रीज़न ये फंस रहे थे कि मेरे को हो चुका था लेट, काफ़ी रात हो चुकी थी, और प्लस मैं जल्दी जल्दी बस पकड़ी तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, वहाँ पे शूट करने का मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। तो गाइज, मैंने स्टार्ट किया जहाँ पे डिनर ब्रेक लिया है इन्होंने, जो अब शायद बज रहे हैं मेरे ख्याल से 11:30 हो रहे हैं। हम करनाल रोड पे हैं, ये देखिए बैक साइड करनाल रोड है, ठीक है। इस रोड पे कहीं पे रोका हुआ है, क्या नाम है, पंजाबी डीलक्स, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, पंजाबी डीलक्स ढाबा, ये रहा आपका, उल्टा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और देन ये रही पीछे हमारी बस, ठीक है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है, सेमी स्लीपर है। अगर आप भी मनाली का टूर प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बकायदा आपसे बात करूंगा कि कैसे कैसे आप आ सकते हो, बढ़िया तरीके से घूम सकते हो। उसके लिए यार होटल बैठ के बात करते हैं, यहाँ कोई, यहाँ तो आज ठंड भी है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे मैं थोड़ा डिनर वगैरह कर रहा हूँ पीछे, बाकी दिखाते हैं आपको मनाली पहुँच के। लव यू, कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग दिल्ली राष्ट्र, लव यू ऑल। दिखा देता हूँ यहाँ का थोड़ा, फिर ड्रोन फ्लाई करेंगे वहाँ जाके। मैंने आपसे वादा किया था कि गाइस नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मनाली आऊँगा तो आपको ड्रोन फ्लाई करके दिखाऊंगा। तो गाइज, अब हम मनाली आ चुके हैं, तो यहाँ पे फ्रूट मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बस रोकवाई थी, मतलब यहीं उतरे थे थोड़ा पहले, क्योंकि कैब वाले भैया आए थे, हमने कैब बुक कर रखी है फाइनली, ये रही कैब पीछे, ठीक है। तो अब तैयार हो रहे हैं, मतलब तैयार होने का मतलब जा ही रहे हैं कैब में, फिर दिखाते हैं आपको होटल का व्यू वगैरह। ओके, बाय बाय। कुछ ऐसा दिखता है हमारा होटल, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ व्यू, ठीक है। और मैं लेके चलता हूँ आपको होटल के अंदर, और सारी चीज़ें अंदर से दिखाता हूँ कैसा इंटीरियर है होटल का, मतलब होटल का इंटीरियर कैसा अंदर से, ठीक है। की वॉचिंग, ये अंदर की तरफ को जाते हैं गेट पे, ओके, ये रिसेप्शन, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम है, तो इससे भी ऊपर जाना है, ठीक है। मेरा गाइस, और ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, ये रहा रूम,
मैं अनलॉक करता हूँ। तो भाई हम होटल के अंदर आ चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है यहाँ का किचन। ओ किचन कह रहा हूँ, सॉरी यार मेरा माइंड ही पता नहीं क्या कर रहा है। ये यहाँ का वॉशरूम है, ठीक है, ये देखिए। और ये नाश्ता वास्ता किया हमने, ठीक है। ये यहाँ का बेडरूम है, ये रहा मेरा मेरा छोटा चेतन, और ये रही मेरी बिल्ली। तो गाइज हम आ चुके हैं, ये देखिए व्यू, ये बालकनी से व्यू दिखता है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। वाओ अमेजिंग कह सकते हो गाइज, देख रहे हो क्या अच्छा व्यू है, ठीक है, आगे तक भी। और देन फिर मैं आपको बाहर दिखाता हूँ गाइज। पैराग्लाइडिंग हो रही है, आपको शायद दिख रहा हो तो मैं जूम करता हूँ एक बार। ये देखिए दिख रही है आपको, खैर जूम अच्छा है इसका, पैराग्लाइडिंग हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है चांसेस मैं पैराग्लाइडिंग करूँ तो आपको दिखाता हूँ, LED वगैरह लग रही हैं, ठीक है गाइस। और मैं बाहर बैल्कनी दिखा देता हूँ आपको, वेट जस्ट ओपन, गेट खोला और देन ये आ गए बैल्कनी। बकायदा बैल्कनी में आपको देखो कितना अच्छा वेदर दिख रहा है, स्नोफॉल दिख रही होंगी आपको पहाड़ों पर, कितनी बढ़िया। अभी मैं इसके ड्रोन शॉट भी दे रहा हूँ आपको, बकायदा बीच बीच में ड्रोन शॉट आते रहेंगे, देखते रहना गाइस, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। अब हम आ गए हैं अपने होटल पे, तो मैं होटल के सबसे ऊपर टेरिस पे खड़ा हूँ। अच्छा व्यू आ रहा है पीछे, आप देख सकते हो, देखो स्नोफॉल भी पड़ी है पहाड़ों पे चारों तरफ मेरे, ये देख रहे हो, पीछे भी देखिए, ठीक है। और बाकी मैं भी थोड़ी देर में ड्रोन शॉट लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू, थोड़ा यार ब्रेकफास्ट कर लें। और गाइज अभी थोड़ी देर में हम बैठ के बात करते हैं या नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पहले मैं आज को यहाँ का आपको लोकल के साइड सीन दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ से जैसे कि यहाँ पे हडिम्बा देवी जी टेम्पल हो गया और दो तीन टेम्पल्स हो रहे हैं, और रात को नाइट क्लब्स वगैरह ये सब के व्यूज़ दिखाता हूँ मैं, मतलब ये सब एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। और तो कुछ कहना नहीं है, वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करता हूँ इस टॉपिक पे, आप कैसे आ सकते हो, क्या क्या चीज़ है, कितना खर्चा बैठता है, कहाँ कहाँ कितना पे करना पड़ता है, टोटली चीज़। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Bad this time, God. Run underneath the rows of trees. I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. Take your socks and shoes right off. That natural light is so damn polite, can make you feel just like you were young again. Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. तो गाइस कैसा दिख रहा होगा आपको माहौल? लग रहा है ना मजा एकदम फाड़? तो गाइस दिल्ली रास्कल के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना आने वाली लेटेस्ट वीडियो के लिए। अब तुम्हारे भाई ने तुम्हारी रिकमेंडेशन
उसी के ऊपर ड्रोन ले लिया है, बाकी गिम्बल भी ले लिया है, लेकिन मैं लेके नहीं आया, ज़्यादा सामान कैरी हो जाएगा, तो सेलफोन से ही ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, रियलमी एक्स काफ़ी अच्छा फ़ोन है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, बाय कर लेना, काफ़ी अच्छा फ़ोन है ब्लॉगिंग के लिए और फोटोग्राफी के लिए, बहुत जहर देख रहे हो क्वालिटी। इसे 4K क्वालिटी आती है, ऑप्शन भी आपका 720, 1080 और 4K। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से कमेंट।